नमस्कार, मेरा नाम है नितिन आहूजा। मैं काशीपुर उत्तराखंड से हूँ। मैं 4 बार मिस्टर उत्तराखंड बॉडी बिल्डिंग चैम्पियन रह चुका हूँ। मैंने अक्टूबर 2020 में डॉक्टर नव विक्रम काम्बोज से अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था। उससे पहले जो मेरी कंडीशन थी वो बहुत बुरी थी। जो करंट कंडीशन है वो आप देख रहे हैं मेरे बालों की। और मैं जब से वो ट्रांसप्लांट कराया है इतना खुश हूँ। अब जीने का अलग ही मज़ा आता है। जिस तरीके से लोग मेरे को देखते हैं और मेरे को मेरा जो हेयर ट्रांसप्लांट का जो रिजल्ट है उसे देख के जिस तरीके से वो लोग शॉक हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं, खुश होते हैं, वो देखने में, उनके कमेंट सुनने में बहुत मज़ा आता है। कई लोग तो यहाँ तक बोलते हैं कि जैसे तुम 10, 15, 20 साल पहले दिखते थे वैसे ही आज भी दिखते हो। तो ये कॉम्प्लीमेंट सुन के बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए मैं डॉक्टर नवविक्रम काम्बोज को दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा। मैं ऑलमोस्ट हर 25 से 30 दिनों में अपना हेयर कट करा लेता हूँ और मेरे ग्रोथ इसी बात से आपको समझ में आ रही होगी कितनी अच्छी है। उसके अलावा डॉक्टर नवविक्रम काम्बोज ने मुझे बहुत मिनिमम मेडिसिन्स दे रखी हैं। सिर्फ एक मेडिसिन है, वो भी हफ्ते में सिर्फ 2 बार लेनी होती है। ड्यूटास्टेराइड है वो 0.5 mg। उसके अलावा एक सीरम है जो कि खुद डॉक्टर साहब की क्लिनिक से मैं लेके आता हूँ। वो मेरे को रात को सोने से पहले रोज़ लगाना होता है। और उसके अलावा सिर्फ शैम्पू करने को बोला है, वो भी कोई ऐसा उनकी तरफ से कोई खास प्रिस्क्राइब शैम्पू नहीं है। मैं नॉर्मल जॉनसन जॉनसन बेबी शैम्पू यूज़ करता हूँ। और रख रखाव के लिए और कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। मैं अपने न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान रखता हूँ प्रॉपर, क्योंकि मैं एक बॉडी बिल्डर भी हूँ, इसीलिए प्रॉपर खान पान पहले से ही मेरा होता था। बट क्योंकि बिकॉज ऑफ यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स वो थोड़ा सा मेरा हेयर लॉस जल्दी हो गया, ऐसा मेरे को लगता है। और जो कि डॉक्टर साहब से मिलने के बाद वो मेरी एक प्रॉब्लम थी वो भी सॉर्ट आउट हो गई। कई लोगों को लगता है कि जो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जो दवाइयाँ चलती हैं उससे आपके हार्मोनल इश्यूज हो जाते हैं या कुछ ऐसी बॉडी में प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि बहुत दिक्कत दे सकती हैं आपको। बट ऐसा मेरे केस में तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। और आई थिंक जिस तरीके से डॉक्टर साहब अपने हर एक पेशेंट को देखते हैं, उसकी प्रॉब्लम को समझते हैं, उसके मेरे को नहीं लगता उसके हिसाब से कि किसी भी पेशेंट को कभी कोई दिक्कत आई होगी। अगर आप डॉक्टर नवविक्रम काम्बोज के वीडियोस को देखें, उसमें वो जिस तरीके से हर एक बात को एक्सप्लेन करते हैं, जिस सादगी से वो बताते हैं, वो ही देख के मैं उनसे इम्प्रेस हुआ था। और ये मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपना ट्रांसप्लांट करवाऊंगा तो सिर्फ डॉक्टर नवविक्रम काम्बोज से। अब मुझे साल में सिर्फ 2 बार PRP सेशंस लेने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि मैं जब टाइम मिलता है उसके हिसाब से चला जाता हूँ। और सिर्फ एक फ़ोन कॉल करके मैं क्लिनिक से अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करवा लेता हूँ। बहुत इजी है, मेरे को कभी कोई दिक्कत नहीं आई। और मेरे को सिर्फ जो जाने आने में मेरा जो टाइम खर्च होता है उसके अलावा सिर्फ आधे घंटे के अंदर मैं अपना PRP करवा के फ्री हो जाता हूँ। अक्टूबर 2020 से लेके अब तक का मेरा जो सफ़र रहा है, मुझे अभी तक कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तरीके की नहीं आई है जो जिसको मैं बोल सकूं इस वीडियो में कि मेरे को फला फला कोई प्रॉब्लम आई थी। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। छोटी एज में जब बाल कम हो जाते हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। और बॉडी बिल्डिंग में मैंने ये चीज़ सीखी है कि स्ट्रेस किस तरीके से आपको अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। और क्योंकि मैं बॉडी बिल्डर हूँ तो बॉडी बिल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि वो सारे गेंस आपके धीरे धीरे चले जाते हैं। तो वो चीज़ मैंने ऑब्जर्व भी की थी और अपने ऊपर देखी भी थी। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे तो उसमें भी देखेंगे कि अराउंड 2020 और 2021 के टाइम पे मेरा जो फिजिक था वो बहुत ज़्यादा घिरी हुई फिजिक थी। मेरा बॉडी वेट में स्पेशली मसल्स का जो मास था वो बहुत कम हो गया था, जिसकी वजह से मेरा वेट ड्रॉप तो हुआ था बट वो फैट बढ़ गया था और मसल्स कम हो गई थी। अब क्योंकि मैं ट्रांसप्लांट करवाने के बाद बहुत खुश रहता हूँ, अपने लुक्स से भी मेरे को लगता है कि मैं जैसा पहले दिखाई देता था ट्रांसप्लांट से पहले, जब मेरे बालों में किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं थी, वैसा ही मैं आज दिखता हूँ। अब जब भी मुझे कोई मेरे दोस्त या मेरे रिश्तेदार
मिलते हैं और मुझे को बोलते हैं कि आज भी तुम 10-15 साल पहले जैसे दिखते थे वैसे ही आज भी दिखते हो, तो बहुत खुशी होती है। उस टाइम मैं डॉक्टर ने विक्रम कांबोज को दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलता हूँ, और बस थैंक यू बोलता हूँ और आज भी थैंक यू बोल रहा हूँ। तो थैंक यू डॉक्टर साहब। और ट्रांसप्लांट के बाद की खुशी मैं इस टाइम वर्ड्स में आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस अपना ट्रांसप्लांट का, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा, और जिन लोगों को ट्रांसप्लांट कराने से रिलेटेड किसी भी टाइप की कोई मन में वो होती है कि पता नहीं क्या होगा, तो वो एक बार किसी भी हेयर ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट से ज़रूर मिलें। उसके बाद ही ये डिसाइड करें कि उनको क्या करना है। बिना डॉक्टर से मिले आप किसी भी तरीके के फैसले को पूरी तरीके से नहीं ले पाएंगे। तो मेरी तरफ से ये आपको एक एडवाइस रहेगी। जल्दी मिलता हूँ एक और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।